नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका इस अद्भुत अविश्वसनीय असहनीय खेल में जिसका नाम है KBC यानी क्यों बनेगा करोड़पति। आज हमारे सामने मौजूद हैं दो कंटेस्टेंट, यो फनी सिंह जी, यो फनी सिंह, और रमेश हेसमिया जी। ये तो मेरा गाना है। अरे हाँ, तो इनके सामने फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट पर्सन ये रहा। संगीत के इन स्वरों को क्रम से लगाएं, ए रे बी गा सी मा और डी सा। चलिए देखते हैं इसका सही क्रम क्या था। देखें, इसने सही जवाब दिया। ओ रमेश हेसमिया जी ने सही जवाब दिया है। यो फनी सिंह जी, आपको ये नहीं आता था? नहीं, ये मैं भूल गया हूँ, पहले इसे मैंने सीखा था, अब मैं इसका यूज ही नहीं करता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रमेश हेसमिया जी आप ही आ जाइए। जय भारत, जय माता दी, लेट्स रॉक। तो रमेश हेसमिया जी, खेल स्टार्ट किया जाए। तो आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा, 2014 में सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग गाने वाले का नाम बताएं। आपके ऑप्शन है ए कन्नू मलिक, बी रमेश हेसमिया, सी फनी सिंह या डी रोनू निगम। मैं बी पे लॉक लगाना चाहूंगा, रमेश हेसमिया। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं ही अपने घर में जो भी हिट सॉन्ग निकलता है उसे मैं ही पहले गाता हूँ। तो मैं ही हुआ सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग गाने वाला सिंगर। तो लॉक लगा दे। जी बिल्कुल। कंप्यूटर जी, बी रमेश हेसमिया पे लॉक लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, मुबारक हो, 10,000 रुपए जीत गया। बहुत ही अच्छा खेला आपने। ओ रमेश हेसमिया जी, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं एक, कि आप क्यों बनना चाहते हैं करोड़पति? मैं इन पैसों से यो फनी सिंह का यो खरीदूंगा और फिर मैं बन जाऊंगा यो रमेश हेसमिया। काफी उच्च विचार है आपके। सही कहा। चलिए खेल को आगे बढ़ाएं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऐसा कौन सा सिंगर है जिसकी सभी मूवीज सुपर डुपर पिट जाती है? सर आई थिंक इसमें कुछ गलती हो गई है, वो सुपर डुपर पिट नहीं, हिट होता है सर। अरे नहीं नहीं, ये पिट पिट मतलब फ्लॉप। किसकी मूवी सुपर डुपर फ्लॉप होती है? आपके ऑप्शन है ए कन्नू मलिक, बी रमेश हेसमिया, सी फनी सिंह या डी रोनू निगम। सी फनी सिंह, मैं सी फनी सिंह पे लॉक लगाना चाहूंगा। आपको पूरा यकीन है? जी। कंप्यूटर जी, सी फनी सिंह पे लॉक लगाया जाए। अफसोस, रमेश हेसमिया जी, ये गलत जवाब है। इसका सही आंसर था बी रमेश हेसमिया। अरे सर, आपसे कोई गलती हो गई है या आपका ये कंप्यूटर खराब है शायद? इन्हें चेंज करवाओ, मेरी सारी मूवीज हिट जाती हैं, मेरी फर्ज भी हिट गई थी। अरे वो फर्ज नहीं थी, लगता है आप भूल रहे, वो कर्ज थी, कर्ज। ओ हाँ हाँ, भूल गया था। वैसे भी ये तुम्हारा शो बेकार है, बकवास है एकदम, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे शो में कभी भी। अगला शो कब है? मेरा फेसबुक पेज लाइक कर दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए रमेश जी तो यहाँ से हार के निकल चुके हैं, अब बचे हैं फनी सिंह जी। फनी सिंह जी आप आ जाइए। अरे फनी सिंह जी, हमें पता लगा है कि आप 2014 के सबसे बड़े रेपिस्ट हैं। अरे नहीं सर, रेपिस्ट नहीं, रैपर, रैपर। अरे अरे कंप्यूटर जी, इसे सही किया जाए, रेपिस्ट नहीं, रैपर है, रैपर। माफी चाहते हैं फनी सिंह जी। एक आपसे सवाल है, ये जो आपके नाम से पहले यो लगता है, इसका क्या मतलब है? जरा हमारे शो पे भी बताएं आप। इसका अर्थ है आपका अपना फनी सिंह। तालियां। अरे नहीं सर, नहीं सर, रुकिए। इसका मतलब है आपका अपना एक यो। अरे इसे जो भी चलाता है
उसके नाम के आगे यो-यो लग जाता है। आप इसे चलाना पसंद करेंगे? नहीं, ये आप ही चलाइए। देखिए, मैं नहीं चाहता कि इससे मेरा नाम यो-यो कविता बच्चन हो जाए। चलिए खेल स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा, किस सिंगर के गानों में सबसे ज्यादा गालियां पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है ए फनी सिंह, बी फनी सिंह, सी फनी सिंह या डी फनी सिंह। सी नहीं, नहीं, डी, मेरे ख्याल से डी। आप श्योर है? नहीं, मैं जाग रहा हूँ। अरे, मेरा मतलब है आप श्योर हैं? पक्का? आपको पूरा यकीन है? हाँ। लॉक लगा दिया जाए? लगा दो। अच्छा, कंप्यूटर जी इसे लॉक लगाया जाए। मुबारक हो, 10,000 रुपए जीत गए। तो फनी सिंह जी, आप गालियों का यूज क्यों करते हैं? मैंने कब गालियों का यूज किया है? ये जो आप सवाल पूछ रहे हो वो तो फनी सिंह के बारे में है। मेरा नाम तो यो-यो फनी सिंह है। ओ, जी हाँ, यो-यो है आपका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं? आपके ऑप्शन है A7, B8, C10 या D5। यो-यो जी, आपकी लाइफलाइन अभी तक जीवित है, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप कोई लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे? मैं डबल डिप लेना चाहूंगा। इतनी जल्दी? हाँ। कंप्यूटर जी, डबल डिप टी दी जाए। अरे अरे, ये नहीं ये नहीं, चलो 50-50। कंप्यूटर जी, 50-50 भी दे दें। ये सब क्या है? अरे, ये बिस्कुट है और ये चाय। चलो इसी से काम चला लेता हूँ। अरे, मुझे याद आ गया, A7। आप सो रहे हैं? हाँ। तो जाग जाइए, यह आपका जवाब बिल्कुल सही है। मुबारक हो, बहुत अच्छा खेला आपने। ये आपको मैं चेक साइन करके दे देता हूँ, ये लीजिए। अरे, भापू बज गया, सो यही समाप्त हुआ। अरे सर, मेरा चेक तो दे दो। ये आपको चेक समय रहते ही लेना था। ओह नो।